एवरीवन, वेलकम बैक टू अरफान सबीरा ब्लॉग्स। और आज है गोवा में थर्ड डे और हम लोग जा रहे हैं अभी राजबाग बीच। तो देखते हैं उसे आज एक्सप्लोर करेंगे कैसा है। व्यू बहुत ही अच्छा है आसपास का। तो गोवा में भोगे हैं बहुत दिन, अब घर की याद आ रही है तो हम लोग कल बैंगलोर के लिए निकल रहे हैं सुबह। तो आज जितना हो सके हम लोग कवर करेंगे। हम लोग दो तीन जगह गए थे लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा थी यहाँ पे, लेकिन अभी फिलहाल मौसम अच्छा है, उतनी भी गर्मी नहीं है। हाँ, निकल सकते हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा सा मतलब डिहाइड्रेशन जैसा लगेगा, लेकिन घूमने फिरने के लिए मतलब अभी का जो टाइम है मस्त है। आप नवम्बर फर्स्ट से जनवरी तक मतलब सीजन है। हाँ, मतलब बेस्ट सीजन है, इतना गर्मी नहीं। और पानी में खेलने के लिए अगर गर्मी में नहीं आएंगे तो कब आएंगे बताइए। ठंडे पानी में आप खेलेंगे नहीं, तो गर्मी है लेकिन जैसे ही आप बीच के पानी में ठंडे ठंडे पानी में उतरेंगे मजा अलग है उसका। तो अभी हम लोग मतलब अच्छे वाले दिनों में आए हैं कह सकते हैं। ये सब जंगली गाय है बोल रहे हैं यहाँ के लोकल लोग, किसी का मतलब पालतू जानवर नहीं है ये। यहाँ पे आपको मतलब जंगली जानवर तो नहीं मिलेंगे, गाय और कुत्ते बहुत मिलेंगे, तो इन दोनों से ही आपको डरना है मतलब। तो साइड में देख सकते हैं दोनों साइड में गोल्फ एरिया है और ये है द ललित गोल्फ एंड स्पा रिजॉर्ट, ये है साउथ गोवा में। और हम लोग अभी जा रहे हैं राजबाग बीच। तो राजबाग बीच एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो आपको अगर जाना है तो इस ललित पैलेस से होके ही आपको जाना पड़ेगा। और इसका कोई भी एंट्री फीस नहीं है और कोई भी टाइमिंग भी नहीं है, मतलब जब चाहे आप जा सकते हैं। ये लोग कुछ भी नहीं पूछते हैं, सिक्योरिटी गार्ड है बहुत सारा पर क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछेंगे। तो इसी से अंदर होते ही हुए ही मतलब आपको राजबाग बीच जाना पड़ेगा। या फिर और एक तरीका है, अब अगर आप पटनीम बीच जाएंगे तो पटनीम बीच से आप वॉक करके आ सकते हैं, मतलब बीच के थ्रू से ही आप वॉक करके आ सकते हैं। एकदम मतलब पहाड़ के उस तरफ पटनीम बीच है और पहाड़ के इस तरफ राजबाग बीच है, तो मैं वो भी दिखा दूंगी। देखिए राजबाग बीच और मतलब जबरदस्त है पानी, देखिए देखिए थोड़ा स्लोपिंग है बीच में। तो इस तरफ देखिए सैफ अली खान जा रहे हैं, इनका फिल्म आने वाला है देवारा करके, तेलुगु मूवी है, शायद हिंदी में भी डब होगा। और मेन लीड में है जूनियर एनटीआर और साथ में है जानवी कपूर, और सैफ अली खान यहाँ पे विलेन का रोल कर रहे हैं। देखिए सबीरा को क्या मिला, कोड़ी मिला है देखिए, ये वाला बहुत अच्छे अच्छे सेल्स है तो घर में सजाएंगे। हाँ, हम लोगों ने सैफ अली खान को देखा था अभी, लेकिन हम लोग वीडियो हाँ क्लिप लिया है, हम लोग क्लिप डाल देंगे इसमें, शायद शूटिंग चल रही है इधर पे। ये राजबाग बीच है और देखो इनाया और इनाया की मम्मी दोनों लगे पड़े हैं शेल और शिप ढूंढने के लिए।
आयान भी आ रहा है उधर से, वो तो कैरी बैग लेके आया गया है ताकि वो बटोर सके। तो यहाँ पर ही रुके हुए हैं सैफ अली खान, तो मैंने क्लिप ले लिया है, दिखा दूंगी। तो इसका एंट्रेंस आगे है, कहीं पर ही कहीं पे था ना, यही एंट्रेंस है शायद, जाते समय आगे आएगा, आगे नहीं, आगे नहीं है, नहीं है, ठीक है, इस तरफ ही ले मतलब है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तालपोना बीच और उसे एक्सप्लोर करेंगे, उसे देखते हैं कैसा है। और मतलब साउथ गोवा में अगर बेस्ट हमें लगा तो वो है राजबाग बीच, प्राइवेट बीच है। हाँ, लोगों को लगता है मतलब अलाउ नहीं करते हैं, पर अलाउ करते हैं, सिर्फ अगर कुछ शूटिंग चल रहा है ना तब आप वीडियो मतलब या फिर कैमरा मतलब फोटो या कुछ ले नहीं सकते, सिर्फ ऐसे आके देख एंजॉय कर सकते हैं। तो थोड़ा मतलब जहाँ पे लोकेशन है वहाँ पे नहीं कर सकते शूटिंग का लोकेशन, थोड़ा आसपास के नजारों को मतलब ले सकते हैं, क्लिप ले सकते हैं। वाओ, बहुत ही सीनिक व्यू है, देख सकते हैं पहाड़ों के बीच से हम लोग जा रहे हैं बीच में, चारों तरफ आपको कोकोनट ट्री मिल जाएंगे। तालपोना ब्रिज, ब्रिज बीच से पे आएगा ब्रिज। अच्छा, ब्रिज आएगा। हाँ, तो आपको दिखाते हैं ब्रिज, कहते हैं तालपोना ब्रिज, शायद भी बना रहे हैं। हाँ, तालपोना बीच ब्रिज। हाँ, साइड का व्यू देखिए तालपोना बीच का, उस तरफ ट्रेन का ब्रिज है, ट्रेन जाएंगे ना गोवा आते समय आपको मिलेगा ये, और उस तरफ देखिए बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग पहुंच चुके हैं तालपोना बीच और अभी मैं वॉकिंग करके जा रही हूं तो इसलिए आप उल्टा लग रहा है शायद, हमने गाड़ी पार्क कर दिया है, इस तरफ गाड़ी पार्किंग मिल जाएंगे आपको, और राइट साइड में आपको मिलेंगे बैक वाटर और एक छोटा सा आइलैंड भी है शायद, यहां पे इवनिंग टाइम में बोटिंग भी होते होंगे, पर अभी तो नहीं हुआ है क्योंकि अभी हम लोग दोपहर 12 बजे ऐसा 12:30 टाइम हुआ है। और लेफ्ट साइड में है तालपोना बीच और फिशरमैन भी है, देख सकते हैं बहुत सारे, और ये थोड़ा सा क्राउड नहीं है मतलब इतना, शायद शाम के टाइम में थोड़ा रहता है पर बाकी बीचों की तरह मतलब इतना क्राउडेड नहीं है। एंट्रेंस देख के लगेंगे शायद बीच बहुत ही गंदा है, पर ऐसा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा एंट्रेंस के टाइम मतलब थोड़ा सा लगेंगे आपको कचरा थोड़ा सा है, पर बीच बहुत ही क्लीन है। हमें अगर मतलब साउथ गोवा में अगर सबसे बेस्ट बीच लगा है तो फर्स्ट में आएगा राजबाग बीच, सेकेंड में ये आएगा तालपोना बीच। तो बहुत ही साफ बीच है, देख सकते हैं। तो यहाँ का जो बीच है, अब देखिए वाइट सैंड है यहाँ पे, बाकी जगह गोल्डन सैंड मिलेगा लेकिन यहाँ पे वाइट सैंड है, तो यही फर्क है। और ये स्टोन्स देखिए, ठीक है।
तो ये है तालपोना बीच और हमको यहाँ पे दिख रहे हैं छोटे छोटे पहाड़। तभी हम पहाड़ पर चढ़ेंगे, थोड़े स्लीपरी हैं पहाड़। देखिए ये पत्थर देखिए पास से बहुत डरावना है। तो हम लोग तालपोना बीच से आए हैं, अभी गलीबाग बीच पहुंच गए हैं। बस लेफ्ट लेना है यहाँ से। यहाँ में कुछ चर्च भी है। हाँ चर्च भी है, एंटोनीज चर्च गलीबाग। तो ये लेफ्ट बता रहे यहीं पे गाड़ी खड़ी करें, शायद हो सकता है क्योंकि चल के जाना पड़ेगा ना। नहीं पार्किंग है? पार्किंग नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं गोवा की गलियों में घूमते हुए और गलीबाग बीच। आगे दो लेडीज, पीछे दो जेंट्स जा रहे हैं हम किनारे। फेंस फेंस इनाया देखो मैडम जी जा रही है। मैडम जी बहुत दूर चलने के बाद पता चला कि हमने गलत रास्ता ले लिया है। तो जहाँ पे सर्च है वहाँ पे ही गाड़ी पार्किंग मिल जाएंगे आपको, और आप मतलब यहाँ तक भी अंदर भी आ सकते हैं। और चर्च के बाजू में ही एक रास्ता जाता है, छोटा सा एक रास्ता है, तो उसी रास्ते से आना पड़ेगा। तो हमने फिर से गाड़ी लेके वो मतलब यहाँ तक आ गए एकदम बीच के पास तक। तो यहाँ पे गाड़ी पार्किंग किया और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है गाड़ी पार्क का। और सॉरी हम लोग गलत बोल रहे थे, इस बीच का नाम है गलगीबागा बीच है, तो हम लोग बोल रहे थे गलीबाग बीच। तो हम लोग पहुंच गए हैं गलगीबागा बीच। और यहाँ पे भी बहुत मतलब लेस क्राउड है बोल सकते हैं, और ये भी बहुत क्लीन है बीच देख सकते हैं। और हर बीच में मतलब लाइफ गार्ड है जगह जगह पे, और यहाँ पे भी है और बहुत ही क्लीन है। और हमारा थर्ड लिस्ट में ये बीच है, जैसे फर्स्ट में है राजबाग बीच, सेकंड में है तालपोना, और थर्ड में ये है गलगीबागा बीच। तो ये है, और यहाँ पे भी आप शाम को भी आ सकते हैं। यहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा है और शायद यहाँ पे मतलब फोटोशूट ज़्यादा होते हैं, और मतलब व्यू भी बहुत खूबसूरत है देख सकते हैं। और ये तीनों बीच ना मतलब तीनों बीच मतलब हाँ राजबाग बीच भी आप मतलब ले सकते हैं, पर तालपोना और गलीबागा बीच ना एकदम पास पास में है, जैसे राजबाग और पटनेम है तो ऐसे ही ये दोनों भी एकदम पास पास में है। और राजबाग बीच मतलब इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट बीच है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर फिल्म का शूटिंग होता है, तो बॉलीवुड का भी होता है, टॉलीवुड का भी होते हैं, तो इसीलिए। और वहाँ पे जैसे बॉलीवुड के गोलमाल, फिर सिंघम, तो ये सब मूवीज़ भी वहाँ पर ही शूटिंग हुआ है। तो यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए, और जिस रास्ते से मतलब हम लोग जा रहे थे गूगल ने दिखाया था शॉर्टकट, और ये ब्रिज वही ब्रिज है जो हमने दिखाया था तालपोना ब्रिज। तो ये नीचे का व्यू है, देखिए बहुत ही खूबसूरत व्यू है, सीनिक व्यू है। तो बैक वाटर्स दिख जाएंगे आपको अगर इस रास्ते रोड लेते हैं तो आप लोग,
बहुत ही खूबसूरत है, देखिए। तो हमने गूगल मैप में लोकेशन डाला था गलीबागा बीच से राजबाग बीच तक, क्योंकि राजबाग बीच के पास में ही मतलब एक रेस्टोरेंट है, पंजाबी रेस्टोरेंट करके, बहुत ही टेस्टी खाना है वहाँ पे और प्राइस भी रिजनेबल है। तो हमने सोचा था वहाँ पर ही लंच करेंगे, तो इसलिए हमने गूगल में बागा बीच डाला, राजबाग बीच डाला था गलीबागा बीच से। तो ये रास्ता हमें गूगल के मैप से ही मतलब थ्रू से ही मिला है। तो अगर भी आप लोग इस रोड से आना चाहते हैं तो आप ऐसे ही डाल दीजिए मैप में, शायद ये रास्ते ही दिखाएंगे। और एक छोटा सा ब्रिज आएगा तो वो भी बहुत खूबसूरत है, वहाँ पे भी आपका व्हीकल लगेगा कि जाएगा कि नहीं जाएगा, पर आराम से चला जाएंगे। तो हमारा व्हीकल भी आराम से चले गए थे, और हमारा व्हीकल है वेलिनो, तो आप लोगों को तो पता ही है, तो आराम से चले गए थे, वो भी देख लीजिए इस वीडियो में ही। ये छोटे से ब्रिज से होते हुए हम लोग जाएंगे राजबाग बीच, इसलिए हम लोग जा रहे हैं फिर से, क्योंकि हमें लंच करना है वहाँ पे, हमें पंजाबी ढाबा मिला था इसीलिए। और देखिए बैक वाटर कितना खूबसूरत लग रहा है दोनों तरफ, और ये छोटा सा ब्रिज, फोर बाय फोर व्हीकल भी चला जाएगा ना, देखने में छोटा लग रहा है पर आराम से चला जाएंगे। देख सकते हैं राजबाग बीच, और इस तरफ है पटनेम बीच, हाँ। तो उस तरफ पूरा फिल्म का शूटिंग वहाँ पर ही होता है। तो आज कुछ सैफ अली खान उसमें विलेन है, तो उसका शूटिंग हो रहा है, तो उसका भी वीडियो मैंने डाल दिया है, आप लोगों को तो पता चल ही गए होंगे। तो ये है पटनेम बीच। तो अभी हम लोग हैं पटनेम बीच में, और उस तरफ है राजबाग बीच, जहाँ पे लाइट दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, उस तरफ ही है। तो वहाँ पे शूटिंग चल रहा है आज, मतलब 4 दिन से चल रहा है, सैफ अली खान उसमें विलेन है, और हम लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे ये लोग खेलने में बिजी है, देख सकते हैं बीच के पास में सनसेट हो चुका है ऑलरेडी, और अभी हम लोग जाएंगे अपने रिजॉर्ट में। बहुत थक गए हैं आज, दिन भर हम लोगों ने बीच में ही एंजॉय किया, शूटिंग देखा हमने, वहाँ पे उनके भी लेने हैं ना, उनके साथ बैठ के हमने जूस भी पिया। तो अभी बस जाएंगे, कुछ चाय पियेंगे, अभी शाम के बज रहे हैं 6:30, ऑलमोस्ट सनसेट हो गया है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है, अगर आप लोग अगोडा या पलोलम बीच जाएंगे ना वहाँ पे भी अच्छा है, पर आप कोशिश कीजिए राजबाग बीच या फिर पटनेम बीच से आप राजबाग बीच वॉक करके भी जा सकते हैं, मतलब बीच से ही, और नहीं तो आप रास्ते से भी, डोमिनेट का ही है रास्ता राजबाग बीच से पटनेम बीच। तो ये दोनों बीच बहुत अच्छा है, क्राउडेड है पटनेम बीच में पर इतना नहीं है, और मतलब लेस क्राउडेड है पलोलम बीच से। और राजबाग बीच में ना आपको अगर शूटिंग देखना है तो वहाँ पर शूटिंग होता ही रहता है, बॉलीवुड और साउथ इंडियन दोनों मूवी का ही, पर बॉलीवुड का ज़्यादा होता है। तो आपको अगर चाहिए, प्राइवेट बोलते हैं, पर आप ललित पैलेस से अंदर ही जा सकते हैं, कुछ एंट्री फीस कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे हैं, उनका स्टाफ भी है बहुत अच्छे हैं, और जो शूटिंग है ना वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग्स ख़त्म करेंगे, होप आप सबको हमारा ब्लॉग्स अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप चाहे तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे भी वीडियो रील्स वीडियो और फोटो अपलोड किया है। तो मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।
तो देवारा का सेट देख लीजिए, इन लोगों ने ऐसे बनाया था। तो यहाँ पे फोटो या वीडियो अलाउ नहीं है लेने के लिए, पर मैंने चुपके से आप लोगों के लिए ले लिया था, तो देख लीजिए। यही है देवारा मूवी का सेटअप।